हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पेज में। तो यहाँ देखिए, आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी गांव देहात में कैसे बनती है ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने कद्दू लिया हुआ है करीब 2 किलो का, ये पका हुआ नहीं है, कच्चा है पूरा। देखिए इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। कद्दू की सब्ज़ी बहुत तरीके से बनाई जाती है, ये वाला तरीका जो आपको दिखा रहा हूँ ये एक दूसरा तरीका है, आगे वीडियो में और भी दिखाऊंगा आपको मैं। इसके जो बीच में जो बीज रहते हैं इसको निकाल लेंगे हम साइड में इस तरह से। अब इसे छोटा छोटा हमें काटना है, इस तरह से मैं काट लूँगा इसे। तो सारा काट लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे हम। तो यहाँ देखिए मैंने सारा कद्दू काट लिया है, तो अब चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने लिए लोहे की कढ़ाई, इसमें हम यूज़ करेंगे सरसों का तेल। आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम गांव में सरसों का तेल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें जीरा, जीरे को चटकने देंगे और डालेंगे साथ में हम सरसों के दाने हैं जिसे राई कहा जाता है, जो दाल में पड़ती है। ये हमने कड़ी पत्ता लिया हुआ है, कड़ी पत्ता भी डालेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने लहसुन काटा हुआ है छील के और मिर्च है, तो पहले लहसुन को हम डाल के अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तो इसमें अब मिर्च भी डाल देते हैं। अच्छे से भून लेंगे इसे। तो यहाँ पे मसाला होने के बाद इसमें हम कद्दू को छोड़ देंगे। इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा जाता है, तो पानी ना डालें। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। उससे पहले इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जी में। तो इसे ढक के पकाएंगे हम करीब 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ देखिए हमने इसे पकाया कम से कम 3 से 4 मिनट, तो ये हल्का हल्का गलने लगा है। पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला है इसमें, उसी का पानी निकल रहा है। अभी इसे हम और पकाएंगे 2 मिनट करीब। तो गैस को स्लो कर दीजिएगा और इसे ढक के पकाइए 2 मिनट और। तो यहाँ देखिए अच्छे से भून चुका है और आप देख सकते हैं गल भी गया है। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है।
इसमें डालेंगे हम हरा धनिया ऊपर से, और आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी, इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। चटपटी सब्ज़ी होती है इसकी, बहुत बढ़िया लगती है। तो देखिए कितनी प्यारी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।